रेस्पेक्टेड सर, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को कैसे यूज कर सकते हैं अदर्स इंडिकेटर की हेल्प से, और कहां पे कैसे ट्रेड लग सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, कहां पे बाइंग करना है, और क्या आपको वो इंडिकेटर हेल्प करेंगे मूविंग एवरेज की मदद से। तो चलिए आपको ले चलते हैं। तो ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने डाबर का एक हेल्प से मैंने जो है सॉर्टिंग की थी, और सॉर्टिंग करने पे काफी जो है प्रॉफिट मैंने लोगों को बताया था, और उसकी हेल्प से उन लोगों ने काफी प्रॉफिट कमाया था। तो ठीक है, तो ये आज 31st 2nd जैन का चार्ट है, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए 2nd जैन आपको नजर आ रहा होगा, और 2nd जैन पे काफी आज डाबर में गिरावट रही थी, और यहाँ पे इसने करीब 12 बजे के आसपास एक सिग्नल जनरेट किया था, और इस सिग्नल में काफी 430 से लेकर के आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 416 यानी 416 712 यानी 15 पॉइंट की गिरावट थी, यानी कि 15 पॉइंट काफी डाबर में जो कि शॉर्टिंग की थी और उन लोगों ने काफी पैसा कमाया। तो चलिए आज मैं आपको उसके बलते से बताता हूँ कि आपने क्या यूज करना है। आपने MACD यूज करना है। अब मैं MACD क्यों यूज करने की बता रहा हूँ कि MACD जो है एक मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का सिस्टम है, और मैं आज आपको इसमें RSI भी बताऊंगा कि RSI क्या काम करता है, और इन दोनों की हेल्प से आप जो है जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक अच्छी बीच का ट्रेड लेंगे, और अपना स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेंगे और एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो देखिए, चलिए मैं RSI के बारे में बताता हूँ आपको। जो मूविंग एवरेज के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है प्राइसिंग लाइन होती है और ये सिग्नल लाइन होती है, यानी प्राइसिंग लाइन और सिग्नल लाइन को जो है क्रॉस, जहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट होता है यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल मिलता है। अगर ये नीचे की तरफ कट हो रहा है तो ये यानी कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, अगर ये ऊपर की तरफ कट हो रहा है तो यानी कि सेल की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब मैं MACD में आपको दिखाता हूँ। मैंने बताया कि अगर यह क्रॉस कर रहा है तो और ऊपर की तरफ आपको सिग्नल मिल रहा है, तो यानी कि आपको ऊपर की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अगर ऊपर की तरफ कट कर रहा है और नीचे की तरफ जो है क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसका मतलब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये सिग्नल थोड़ा सा लेट जनरेट होता है, तो उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे MACD आप यूज कर सकते हैं। देखिए, अब MACD और RSI ये दो कॉम्बिनेशन है, तो MACD की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे मैं देखिए कर्सर रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, और MACD लाइन पे जाकर के देखते हैं तो MACD लाइन भी यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट कर रही है, और सीधी सीधी और उसी की सीध में हम देखते हैं ये RSI जो लगा है वो भी उसी क्रॉस में जनरेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनना है, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनना है जो कि हमें बाइंग के लिए इशारा कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो आप जिसने भी बाइंग की होगी, सपोज यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग की होगी, और यहाँ पे मैं प्राइस दिखा रहा हूँ 441 रुपए का है डाबर का प्राइस, और यहाँ पे आते 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 457 रुपए का, यानी कि पूरे के पूरे 10 पॉइंट का 441 से 457 441 से मतलब 16 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो ये तो चलिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं कहीं पे बनता है, लेकिन कभी कभी देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉल्स सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। अब फॉल्स सिग्नल देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ बाइंग का सिग्नल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे MACD ने यहाँ पे पहले ही शो कर दिया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले ही शो कर दिया था, और इसने एक कैंडल बनने के काफी बाद यहाँ पे शो किया है। देखिए एक कैंडल बनने के बाद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गिरावट आई थी। देखिए MACD ने पहले शो कर दिया था और RSI ने भी पहले यहाँ पे शो कर दिया था, तो यहाँ पे देखिए और हिस्टोग्राम क्या बताते हैं। देखिए अब MACD के बारे में बता दूं कि MACD में जो नीली वाली जो ब्लू वाली लाइन है वो सिग्नल लाइन है, और हिस्टोग्राम जो है वॉल्यूम को बताते हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम ज्यादा होगा, जैसे जैसे बाइंग ज्यादा आएगी, वैसे वैसे हिस्टोग्राम की जो लाइन होंगी वो ज्यादा होंगी, हिस्टोग्राम की लाइन है ये बड़ी होंगी, और ये क्रॉसओवर जैसे ही नीचे अगर ये MACD लाइन जो है काट करके ऊपर की तरफ जाती है, MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को काट करके ऊपर की तरफ जाती है तो बाइंग सिग्नल मिलता है, और उसी तरह से अगर ये MACD प्राइसिंग लाइन अगर MACD लाइन को काट करके नीचे की तरफ जाती है तो सेल सिग्नल मिलता है। सिंपल सा लॉजिक, नो रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सपोज यहाँ पे अगर बाइंग करना होता है
तो आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होगा। सपोज ये छोटा ट्रेड, अब मान लिया आपको यहाँ पे शॉर्टिंग करने का मौका मिला, और यहाँ पे देखिए मैं आपको देखता हूँ 449 पे डाबर का प्राइस था, 449 से लेकर कितना मार्केट गिरा, यहाँ पे आप अगर टोटल देखें तो 449 से 423 करीब, ऑलमोस्ट राउंड में अगर मान के चलते हैं तो करीब 20-25 पॉइंट का को कमा सकते थे। अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए था, देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला एमएसडी का, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का, और यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आकर जाके देखता हूँ एमएसडी, एमएसडी ने यहाँ पे सिग्नल ले दिया, एमएसडी ने यहाँ पे सिग्नल दे दिया, पहले ही सिग्नल दे दिया एक एक कैंडल के पहले, और आरएसआई ने भी एक एक सिग्नल के पहले ही कैंडल लिया था, लेकिन क्रॉस यहाँ पे बाद में जनरेट हुआ, तो एक कैंडल के बाद में। लेकिन सपोज अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होता है, यानी कि आप जो है, अगर इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे 445 पे बाई करते हैं और आपको शॉर्टिंग करनी होती तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होता है, आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होता है, ये लॉन्ग जो यहाँ पे इसका लॉन्ग बना हुआ है, यानी कि 440, 440 पे, सॉरी 440 बता रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे होता है, ये इस जगह पे 450 के आसपास, यानी कि यहाँ पे, तो 450 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना जरूरी था, यानी कि जो एमएस क्रॉस ओवर के पहले जो कहीं क्लोज हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो भी क्लोज हुआ है उस क्लोज पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये था, और आरएसआई भी देखिए वही काम कर सकता है, आरएसआई भी एक सिग्नल जनरेट का काम करता है। आरएसआई में देखिए दो तीन जोन होते हैं, आरएसआई में अगर आपका 35 के अंदर है तो वो लोअर बॉर्ड के अंदर जोन आ जाता है, और 50 के अंदर एवरेज बॉर्ड के अंदर जोन है, और अगर 70 के ऊपर चला जाता है तो ओवर बॉर्ड जोन हो जाता कहलाता है। तो आरएसआई देखिए ये काम करता है कि अगर आपका जो आरएसआई सिग्नल है अगर वो 20-25 या 30 के बीच में, ऑलमोस्ट 25 के बॉर्ड की जोन में आ जाता है, और अगर वो 50 के अराउंड में रहता है तो एवरेज एवरेज बॉर्ड में जोन में है, अगर वो 70 के ऊपर चला जाता है तो ओवर बॉर्ड के रेंज में है। तो आरएसआई के बारे में ये कहा ही नहीं जाता है, आरएसआई की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ओवरबॉट में गया यानी 70 या 75 या 80 को क्रॉस किया, इस सिग्नल 70 या 80 को क्रॉस किया देखिए यहाँ पे शायद, तो वो एक बार जरूर रिवर्स जरूर मारेगा, चाहे वो 5 मिनट के लिए मारे या 10 मिनट के लिए मारे। और यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आरएसआई को, अभी मैं इसको हिस्टोग्राम को, अभी मैं एमए क्रॉसओवर को नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आरएसआई को देख रहा हूँ। देखिए सिर्फ अगर आप सिर्फ आरएसआई के बिहा पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 80 पे था, 80 पे जैसे गया तो पक्का ये मान के चलिए 85 से ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 85 के पास जैसे ही नीचे आया देखिए इसने कम से कम यहाँ पे एक रिवर्स लिया, और ये 85 से 35 पे आ गया, ठीक है। और यानी कि जिसने भी यहाँ पे शॉर्टिंग की होगी तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लेकिन बाद में शॉर्टिंग हुई है, बाद में ये एमए क्रॉसओवर बाद में सिग्नल ने जनरेट किया है, लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे पहले जनरेट किया। तो अगर आप इन सब का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे अगर एमए क्रॉसओवर के मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे देख रहे हैं तो यहाँ की जो फर्स्ट कैंडल यानी जो भी यहाँ भी क्रॉस बना है और उस जगह पे ले रहे हैं, तो आपकी जो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि, और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का वीडियो, और नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं कुछ अनदर टॉपिक लेकर के मैं मॉड्यूल बनाया है, उसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा मुनाफा कमाइएगा। इस पे आप एक काम कर सकते हैं, जाकर के घर पे आप मूविंग एवरेज खोल करके इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेपर ट्रेड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप बिना जाने बिना बड़ा ट्रेड मत लीजिए, आप एक क्वांटिटी से, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पर डे एक क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए, सिर्फ एक क्वांटिटी से बाई और सेल करिए, सिर्फ कैश में ट्रेड करिए, MI अगर नहीं है तो आप MIS बहुत छोटा सा ले सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी आप शुरुआत करनी है तो एक क्वांटिटी से करिए, फिर दो क्वांटिटी, फिर पांच क्वांटिटी, फिर 10 क्वांटिटी। अगर बैंक निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी एक लॉट से करिए, दो लॉट से करिए, इससे ज्यादा मत करिए, और आप कम से कम 1 मंथ पेपर ट्रेड जरूर करिए। पेपर ट्रेड करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और इसमें जो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर जा रही है, अगर आप इसमें एक्यूरेट 50% हो रहे हैं, यानी कि आपकी एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जो कॉल ले रहे हैं या जो पुट ले रहे हैं, और उसके
जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 50% से ऊपर आ रहे हैं, तब आप ट्रेड को क्वांटिटी आप बढ़ाते रहिए। लेकिन 1 month आपको, मेरी जो एक एडवाइस है कि प्लीज आप 1 month तक पेपर ट्रेड जरूर करिए, उससे पहले ट्रेड मत लीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप 1-2 दिन ट्रेड लेंगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। आपका डाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप लूज करेंगे। आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करने से पहले जो है आप पेपर ट्रेड जरूर करें, क्योंकि स्ट्रेटजी लोगों की बनाई हुई होती है, स्ट्रेटजी सभी जगह पे सभी सिस्टम पे वर्क नहीं करती है, ये मेरा भी कहना है। हो सकता है ये स्ट्रेटजी किसी पे वर्क करे किसी पे ना करे, लेकिन उससे पहले अगर आप पेपर ट्रेड कर लेते हैं, अपने आप को काफी परफेक्ट बना लेते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो पेपर ट्रेड आपको 2 month तक करना चाहिए। 2 month तक पेपर ट्रेड करेंगे तो आप एक अच्छे परफेक्ट ट्रेडर बन पाएंगे। तो ठीक है, आप, उम्मीद करता हूँ आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे।